आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल के 11वें सीजन के लिए 27 और 28 जनवरी को बेंगलुरु में प्लेयर्स की ऑक्शन हुई। इस नीलामी में कुल 169 प्लेयर्स को 8 अलग अलग टीमों ने खरीदा। इस दौरान कई प्लेयर्स ऐसे रहे जो पहले राउंड में नहीं बिके, लेकिन दूसरे राउंड में उन्हें किसी न किसी टीम ने खरीद लिया। हालांकि इसके बाद भी कई बड़े प्लेयर्स ऐसे रह गए जिन्हें खरीदने में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। साल 2018 के लिए हुई आईपीएल ऑक्शन में 8 अलग अलग टीमों ने मिलकर करीब 432 करोड़ रुपए खर्च किए और 169 प्लेयर्स को खरीदा। पिछले साल की तरह इस बार भी बेन स्टॉक्स सबसे महंगे क्रिकेटर बने। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा। भारत की ओर से जयदेव उनादकट सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले प्लेयर रहे। उन्हें राजस्थान ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा। दो राउंड तक अनसोल्ड रहे क्रिस गेल को तीसरे राउंड में किंग्स 11 पंजाब टीम ने 2 करोड़ में खरीद लिया। ऑक्शन के दूसरे दिन 20 लाख की बेस प्राइस वाले गौतम कृष्ण पर 31 गुना ज्यादा कीमत पर सोल्ड हुए। शनिवार को हुई पहले दिन की ऑक्शन में 78 क्रिकेटर्स बिके थे, वहीं रविवार को 91 क्रिकेटर्स के लिए बोलियां लगी।